बहुत सारे लोगों में ये बात फैल रही है कि 5G की टेस्टिंग से ही इंसान मर रहा है। तो क्या 5G का रेडिएशन इतना डेंजरस है कि इंसान का ही इससे डेथ हो जा रहा है? 5G इंडिया में इंटरनेट का अभी तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जनरेशन है, जो कि अभी तक चल रहे 4G के स्पीड से ऑलमोस्ट 100 गुना तक ज्यादा होने वाला है। 5G का स्पीड इतना ज्यादा होगा कि बड़े बड़े मूवी फाइल्स को सेकंडों में आप डाउनलोड कर सकते हो और उतना ही तेजी से अपलोड भी कर सकते हो। ऑब्वियसली यार, 5G का टावर जो होगा एंटीना, वो हमारे सराउंडिंग में बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा। 5G का टेक्नोलॉजी मिलीमीटर वेव पर वर्क करता है, जो कि 300 गीगाहर्ट्ज़ इसका फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है, जबकि 4G का फ्रीक्वेंसी बैंड 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़ तक ही होता था, पर उससे कई गुना ज्यादा आज के ये लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी होने वाला है। 5G के टावर से निकलने वाले हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ह्यूमन बॉडी के सेल्स से कोलाइड करेगा तो इसके टिश्यू में ऑब्जर्व होने लगेगा, जो कि ऑब्वियसली यार थोड़ा स्मॉल लेवल पर इसका इफेक्ट तो रहेगा ही। अब ये कितना डेंजरस होगा, अभी तक 5G बैठाने वाले कंपनियों को भी इसका एक सटीक अंदाज नहीं है कि ये ह्यूमन बॉडी को कितना हद तक डेंजरस, कितना हद तक इफेक्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट के पास भी अभी तक 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई प्रूफ कैलकुलेशन नहीं है कि इतना ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। हाँ, स्मॉल लेवल पर इसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही हमको। IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर 2011 में ही रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अपना रिपोर्ट जारी कर दिया था और यह बताया था कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूचर में होने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, वह पॉसिबली कार्सियोजेनिक टू ह्यूमन तो जरूर होगा। अब कितना होगा ये इसका कैलकुलेशन बाद में निकल के आएगा, बट इससे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर रहेगा ह्यूमन के बॉडी के ऊपर। फ्रेंड्स, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको क्या बोलना है कमेंट में जरूर मेंशन करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।